हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालिनी सिंपल होम रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संतरे का जूस। कैसे आप संतरे का जूस मिक्सी में निकाल सकते हैं जिससे कि बीज बिल्कुल भी नहीं पिसेंगे। बहुत ही मीठा जूस बनता है और विटामिन सी से भरपूर है। ये संतरा हमारी आंखों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ वेट लॉस के लिए, कैंसर प्रोटेक्शन के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में एक छोटी सी घंटी आएगी उसको भी जरूर से दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। संतरे का जूस बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम संतरा लिया है। सेम इसी तरह से आप मौसमी का भी जूस निकाल सकते हैं। मैंने संतरे को यहाँ पे छील लिया है और अब इसे मिक्सर जार में डाल लिया है। जार में डालने के बाद अब मैं इसमें हाफ ग्लास पानी डाल रही हूँ। संतरे में नेचुरल शुगर होता है तो अलग से मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ। तो अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे थोड़ी देर पीसना है, फिर रोकना है और फिर पीसना है। इस तरह से अगर आप ग्राइंड करते हैं तो आप इस तरह से बीज नहीं भी निकालेंगे तब भी बीज बिल्कुल भी नहीं पिसेगा, और जब बीज नहीं पिसेगा तो हमारा जूस बहुत ही मीठा बनेगा। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर लिया है और उसमें हम संतरे के पल्प को डाल देंगे और इसे एक चम्मच की हेल्प से चलाते जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि एकदम फ्रेश जूस बाउल में निकल जाएगा और जो बीज है वो इसमें पूरे पूरे रह गए हैं, बिल्कुल भी पीसे नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कितना बढ़िया सा जूस बनकर तैयार हुआ है। अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। बहुत ही हेल्दी संतरे का जूस बनकर तैयार है। पुदीने की पत्ती से इसे गार्निशिंग कर रही हूँ। तो ये सुपर टेस्टी संतरे का जूस बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके अपने अनुभव जरूर शेयर करें। ऐसी ही नई नई रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर दिन एक नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।